नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, शिव तांडव स्तोत्रम कंठस्थ कैसे याद किया जाए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में पेश है इसका आसान तरीका। पहले वीडियो में देखिए, हमने इस तरह से पूरा कॉपी करके पेस्ट कर लिया था वर्ड फाइल में शिव तांडव स्तोत्रम, सारे पैराग्राफ, टोटल 17 पैराग्राफ इसमें थे। उसके बाद आपको बताया गया था इसको कैसे हमें विभाजित करना है हर शब्द को, जिससे आसानी से याद किया जा सके। अब हमारे इस दूसरे वीडियो में मैंने तैयारी करी है, जितने भी शब्द हैं उनको पूरी तरह से हमने कोशिश करके विभाजित किया है। आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से इसको करें कि किस तरह से आप इसको पढ़ सकें। अभी ये हर शब्द को हमने इसमें छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, इस तरह से सारे पैराग्राफ हमने कर दिए हैं। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, सबका छोटा छोटा विभाजन कर दिया है, जिसे आपको याद करने में, स्मरण करने में और पढ़ने में आसानी हो। जब आप ये कंटेस्ट कर लेंगे तब आप इसको संपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। अभी इसको हम एक बार पढ़ के दिखाते हैं। इसी तरह से इसे आप 6-7 बार पढ़ेंगे और फिर जब आप इसको ओरिजिनल जो गायक लोगों के गाए हुए हैं या कथावाचक लोगों के सुनाए हुए हैं उनको सुनेंगे, तो आप उसी लय में इसको बोल सकेंगे। अभी इसको हम बोल के देखते हैं। सार्थ शिव तांडव स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। जटाटवि गलज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमंड नाद मड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। हो सकता है इसमें पढ़ने में शुरू शुरू में थोड़ी गलतियां भी हो, जिसके लिए आपसे शुरू में ही मैं माफी मांगना चाहूंगा, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी इसका उच्चारण सही होता जाएगा। इसका सबसे अच्छा एक और तरीका है, जितने शब्दों का उच्चारण आप सही करें वो अलग हाईलाइट कर दीजिए, और जिन शब्दों में आपको पढ़ने में कठिनता पेश आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, उनको अलग से हाईलाइट करके आप कई बार तरह तरह के वीडियोज ऑडियोज में सुने, तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जटा कटा हस ब्रह्म ब्रह्म निलिम्प निर्जरी विलो लवि चिवल्लरी विराजमान मुर्दनी। अभी इसको और भी विभाजित कर सकते हैं ऐसे, विराजमान चिवल्लरी चिवल्लरी दगद दगज्वल लल्लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम धरा धरेन्द्र। अब जैसे आपका ये एक शब्द है धरा धरेन्द्र, इसको वापस से आप चाहेंगे आप वापस से अगर एक ही शब्द को कम और कम करना हो, तो अभी इसको हम इसको एक ही शब्द में भी कर सकते हैं। धरा धरेन्द्र धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदंब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्रिय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतम विवर्तु बोध वर्तरी। इस तरह से ये पूरा शिव तांडव स्तोत्रम अलग अलग छोटे छोटे शब्दों में विभाजित किया गया है। मैं बीच में से एक और पैराग्राफ आपको पढ़ के बताऊंगा, क्षमा चाहूंगा कि समय के अभाव के कारण वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, यह एक अन्याय भी होगा, लेकिन इस वक्त हम इसको याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी आप देखिए एक और, जैसे ये है पैरा, प्रचंड वाड वानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि ही श्वेति मंत्र भूषो जग जयाय जायताम। काफी मुश्किल शब्द हैं, लेकिन इनको जब हम दूसरे वीडियोस में सुनेंगे, हेडफोन से सुनेंगे, तो आपको उन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना है जो आपको पढ़ने में मुश्किल हो रहे हैं। जैसे अभी एक शब्द है, वर्ड फाइल में मैंने इसको बोल्ड कर लिया और अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया,
मुझे आगे जैसे जैसे मैं इसको याद करूंगा तो मुझे इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ये शब्द है तो इस शब्द के उच्चारण में मेरे को कठिनाई आ रही है, इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। इन शब्दों को बार बार हमें दूसरे वीडियोस में सुनना है और इसमें हमें महारत हासिल करनी है। अनेकों बार सुने निगुफ निर्बक्ष रन मह, ऐसे तरह तरह के। आप जब कई बार सुनेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से अभी ये आखिरी अंतिम छंद है, पूजा वसान समय दश वक्त गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति शुभम। इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्त्रोत्रम संपूर्णम। ऐसे करके हमें इसे पढ़ना है। एक और आपसे कहना चाहूंगा कि शिव तांडव स्तोत्रम का एक बार आप पूरा व्याख्या पढ़िए कि इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या कारण है, यह किसने लिखा, हर श्लोक का क्या मतलब निकलता है। उससे भी आपको इसे याद करने में और आसानी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब आपको ये मालूम रहेगा तो और आसान हो जाएगा। अभी एक और मैं आपको पैरा पढ़ के बताता हूँ, बीच बीच में एक एक दो दो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, और जो जो शब्द हमें मुश्किल लगेंगे हम उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट करेंगे। उनको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, जिससे बार बार हमें वो शब्द पे ध्यान दे सकें। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्वरत, कुहू निषिद्ध नितम प्रबद्ध बद्ध कंधरा, निलिम्प निर्जरी धरस्त नोतु कृति सिंधुरा, कला निधान बंधुरा श्रियम जगत दुरंदर धरा। अब ये एक शब्द में एक उदाहरण के तौर पर इसको हाईलाइट कर दिया, येलो लाइट अंडरलाइन। तो कुछ ये शब्द हैं जो हमने इस तरह से किए हैं। इन शब्दों को हमें बार बार इन पर ध्यान देना है। अगला पैरा है, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंज कालिम प्रभा, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। इस तरह से ये मैंने अपनी कोशिश करके अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें काफी मेरे से भी त्रुटि हुई है। अगर इसको मैंने अपनी विचार से अच्छे से पढ़ा है, मैं इसको बोल्ड करूंगा और इसको बार बार मैं दूसरे वीडियो में सुनूंगा जो दूसरे गायक लोगों के वीडियो हैं, और उनके लय में बोलने की कोशिश करूंगा हेडफोन लगा के सुनते सुनते। तो 4-5 बार करेंगे, हमारी ये लय परफेक्ट हो जाएगी। एक बार कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंज कालिम प्रभा, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। ऐसे हम लोग अगर 5-6 बार करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक कीजिएगा और बताइएगा इसके आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं, मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि आप इसे और कंठस्थ कैसे याद कर सकें। धन्यवाद। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा टेशन ही टेशन। थैंक यू।